हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मास्क बनाना सीखेंगे। अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसी को देखते हुए हमें अपना और अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। तो हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो हम मास्क लगा कर ही निकलें। तो इसके लिए हम मास्क कैसे बनाएं, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इजीली घर में इसे बना सकती है और एक 80 पॉइंट के पीस में आप फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए 4 से 5 मास्क रेडी कर सकती है। इसके लिए 1 मीटर लास्टिक और 80 पॉइंट का फैब्रिक ही लगेगा आपको। तो चलिए इसे बनाना कैसे ये देखते हैं। मैंने सिंपली कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और इलास्टिक लिया हुआ है इस तरीके का। ऐसे इलास्टिक कई साइजेस में अवेलेबल है, आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये डबल फोल्डेड है एयर ताकि फिल्टर होके आए। आप इसे ट्रिपल फोल्ड भी ले सकते हैं तो और एयर आपकी अच्छे से फिल्टर होके आएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपका मेजरमेंट दिखा देती हूँ इसका। इसका जो विड्थ है, ये चौड़ाई है 8.5 इंचज से 8.5 इंच, ये इसकी चौड़ाई है। और लेंथ वाइज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेंथ इसकी 6 इंचेस से आप कम या ज़्यादा आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आधा से 1 इंच का डिफरेंस कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से इसका ये मेज़रमेंट है। अब हमें ये देखिए, डबल फोल्ड है कपड़ा। अब हमें यहाँ पर और इधर नीचे दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है, फिर हम इसे उल्टेंगे। तो चलिए मैं इस तरफ और नीचे की तरफ स्टिचिंग लगा कर आपको इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिचिंग लगा दी है दोनों साइड्स। स्टिचिंग लगाने के बाद हमें इसे उलट देना है ताकि ये टर्न होकर राइट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे टर्न कर दूंगी। तो ये मैंने पलटा दिया। इसे पलटाने के बाद में हम इसे फिनिशिंग की मशीन लगाएंगे, जो इस कॉर्नर पर लगेगी और उधर भी कॉर्नर पर लगेगी, जहाँ जहाँ हमने पहले स्टिचिंग लगाई है। तो चलिए मैं इन दोनों कॉर्नर्स पर मशीन लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मशीन लगा दी है, तो ये सेट हो गया है फैब्रिक अच्छे से। अब इसे सेट करने के बाद हमें इसमें चुन्नटी बनाना है, यानी कि प्लट्स बनाना है इस तरीके से। 2 से 3 प्लट्स बना लीजिए आप, 2 से 3 प्लट्स आप बना लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने चुन्नट बना ली है और मैंने पिन से इसे सिक्योर कर दिया है। अब मुझे सिर्फ मशीन ही लगाना है, दोनों तरफ ये चुन्नटी बनाना है हमें, ध्यान रखिए आप। तो अब मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरफ और इस तरफ हमें दोनों तरफ पट्टियाँ लगानी है। ये पट्टियाँ जो है 2-2 इंच की चौड़ाई है और लंबाई जो है आप इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी कि जो इसकी लंबाई है हमारी प्लट्स दी हुई एरिया की, उससे 1.5 इंच ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ हमें उलटने के लिए चाहिए होगा ये कपड़ा, इसलिए लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए। और चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, देखिए इसलिए हमने 1.5 इंच ज़्यादा लिया था, दोनों तरफ फोल्ड हो गया है। तो ऐसी 2 पट्टियाँ चाहिए होगी, एक इस तरफ के लिए और एक उस तरफ के लिए। तो दोनों पट्टियाँ आपको ले लेनी है। तो चलिए मैं मशीन लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इसे हमने रख कर इस पर मशीन लगा दी है। अब मशीन लगाने के बाद मैंने हेमिंग भी कर ली है, जिसे मैंने आपको बताया था। और एक तरफ से हेमिंग करने के बाद दोनों तरफ ये पार्ट रेडी हो गया है। आपको राइट साइड जो भी रखनी है उस पर पट्टी को रख देना है, तो राइट साइड आपको मिल जाएगी। इस तरीके से सभी तरफ से मैंने इसे हेम कर दिया है, देखिए इस तरफ भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें इलास्टिक ले लेना है। इलास्टिक की जो लेंथ है, मैंने इसे 6.5 इंचज ली है। 6.5 6.5 के मैं 2 इलास्टिक के टुकड़े ले रही हूँ। इस तरीके से 2 इलास्टिक के टुकड़ों को अब हमें इसमें रखना है। देखिए जो स्टिचिंग है वहाँ पर रखेंगे हम इस तरीके से। इसे रखने के बाद में हम इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में हमें स्टिचिंग लगा देना है। इस तरफ भी हम स्टिचिंग लगा देंगे। ये देखिए, ध्यान रहे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टिचिंग लगाए तो आपका जो इलास्टिक है वो सिलाई में ना आ जाए, क्योंकि हम नोट बांधना है। तो इसी तरीके से मैं दोनों तरफ सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से इसे उलटते हुए तो हम सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में हमें इलास्टिक में नोट बांध लेना है। दोनों इलास्टिक्स के कॉर्नर्स जो है उन्हें इस तरीके से मिला देना है, या तो आप नोट बांध दीजिए स्टिचिंग। तो मैं इस पर स्टिचिंग लगाने वाली हूँ, यानी कि सिलाई लगाऊंगी, नोट नहीं बांधने वाली हूँ। आप नोट भी बांध सकते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसकी जो सिलाई है हम इसे दबा देंगे इसमें, इसीलिए हम इलास्टिक को कपड़े में नहीं आने दे रहे थे सिलाई में। तो इस तरीके से मैं खींचूंगी तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा नॉट वाला एरिया। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा मास्क बनकर रेडी है, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा हर इन्फेक्शन से। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।